देखनी शुरू की हैं, जितनी भी देखी हैं, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं बहुत कॉन्शियस नहीं हूँ पेंटिंग्स का, पर जो देख रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ सर, एक कोट आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी जी ने कहा कि जो पुलिस की छवि है वो बिगाड़ने में कहीं ना कहीं सिनेमा का भी हाथ रहा है, जिस बारे में आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं उनकी बात को कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर सकना चाहता, बट ऐसा मेरा मानना है, फिल्में कुछ भी नहीं करती। फिल्में आप अपने समाज का एक आईना है, जो समाज है वही फिल्में दिखाती है, फिल्में कुछ अलग दिखा नहीं सकती। आप मानते कि नहीं मानते मेरी बात? जी 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 बिल्कुल सर। तो चूंकि इतने बड़े आदमी ने बोला तो शायद उनकी बात में भी बहुत दम होगा, पर ये मेरा मानना है कि फिल्में किसी को चेंज नहीं करती। एक एंटरटेनमेंट का मीडिया है थ्रू दी आईज ऑफ द सेम सोसाइटी। सर, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्में अच्छी चीज़ों को भी प्रोवोक करती हैं और लोग उससे थोड़ा चेंजेस भी लाते हैं अपने आप में। जो देखिए, कितना भी आप फिल्मों के ज़रिए, आप मुझे बताइए कि इतनी हम एडवर्टिजमेंट करते हैं, इतना फिल्मों में दिखाते हैं कि स्मोकिंग हानिकारक है, कोई मुझे बता दे कि जितनी सिगरेट कंपनियों की सेल कम हुई है जी, तो फिर क्या होनी चाहिए ना? जी सर, वो तो हम बोलते हैं कि आप मर जाएंगे आप सिगरेट पियेंगे। तो फिल्में एक जरिया है ऑफ द सोसाइटी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा काम करते हैं तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, ये मतलब नहीं कि फिल्म में बुरा दिखाया तो लोग बुरा कर लेंगे, अच्छे काम अप्रिशिएट करते हैं, बुरा दिखाया नहीं करते। मैं उस इश्यू पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम जो कुछ भी फिल्मों में दिखाते हैं, हम वही दिखाते हैं जो हमारी सोसाइटी में है। ऐसा तो नहीं है कि मन गढ़ंत बात है, हम जो दिखाते हैं कुछ ऐसा लगता है किसी राइटर की इमेजिनेशन है, राइटर ने कहीं देखा है इन बातों को तभी तो दिखाता है। नहीं नहीं, वो इतने महान आदमी है, उन्होंने भी सोच समझ के ही बोला होगा जो बोला। आई थिंक ही इज ऑल्सो राइट एंड आई थिंक अवर इंडस्ट्री इज ऑल्सो राइट। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। देखो ना वहाँ पे, आपको पेंटिंग पसंद नहीं आ रही? सर, आपको आर्ट्स में कितना रुचि रखते हैं? अगर आपकी बात करें तो आप आर्ट्स में कितना रुचि रखते हैं? आर्ट वार्ट में कोई डीप रुचि नहीं है, तो जो अच्छा लगता है वो देखता हूँ और जो अच्छा लगता है सुनता हूँ। सर, बचपन की कोई मेमोरी जो आप हमारे साथ शेयर कर रहे हो? कर रहा था अभी। क्या पार्ट चालू क्या कर रहे हो? जी सर, वो थक गया यार सर, मेरा ये काम नहीं है, मैं छोड़ दिया अभी ये सब। बोलिए, ऐड के बारे में बता रहे थे। ऐड क्या? मेमोरीज के बारे में बता रहे थे। मेमोरीज ये है कि मैं यहाँ से थोड़ी दूर गिरगांव एरिया है, वहाँ रहा, तो बहुत बार बचपन में यहाँ से गुजरता था, रीगल सिनेमा जब था तो मैं ये आर्ट गैलरी को देखता था, पर कभी मौका नहीं लगा कि मैं अंदर हूँ। आज पहली बार अंदर आया हूँ। Thank you.
accept my wife. चला मागे चला थोड़ा मागे चला थोड़ा अंदर ठेव थोड़ा कटाला चला चला मागे चला थोड़ा मागे चला सबसे पहले तो आप एग्जीबिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं एग्जीबिशन के बारे में ये कहना चाहूँगी कि अर्चना जी हमारी बहुत ही अच्छी छोटी भाभी हैं और बहुत अच्छा लगा उनका काम देखकर। और मैं जानती हूँ कि जब वो तैयारियाँ कर रही थी काफ़ी टाइम से, और आज जो उन्होंने सामने हमारे रखा है, हम लोग तो बहुत ही खुश हो गए हैं कि इतना अच्छा उनका काम उभर के आया है। अच्छा, आर्ट्स की बात करें तो आप कितना रुचि रखती हैं आर्ट में? आर्ट के बारे में मैं पहले थोड़ा सा कर सकती थी और मुझे लगा कि मैं कभी ना कभी आर्टिस्ट बनूं, लेकिन वो बात रह गई क्योंकि प्रायोरिटीज़ कुछ और हो जाती है लाइफ में। लेकिन मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी हॉबी है जो कि अगर इंसान चाहे तो कभी बोर नहीं हो सकता है लाइफ में और कभी अकेला नहीं हो सकता है लाइफ में, क्योंकि ये इतनी अच्छी हॉबी है कि आपको वो बिजी रख सकता है सारा टाइम। मैम, मोदी जी ने कहा था कि आप फिल्म में दिखाई गई पुलिसों की बुरी छवि से पुलिसों का नाम खराब होता है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बुरी छवि उनकी दिखाई जाती है, कई पिक्चरों में तो अच्छी भी दिखाई जाती है। अब उसको बैलेंस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पर, और मुझे उम्मीद है कि लोग जिस तरह से मोदी जी की बाकी बातें भी सुन रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है कि जो बातें वो बोल रहे हैं, जो उनके ख्यालात हैं, वो अच्छे हैं देश के लिए, तो उसमें भी मुझे लगता है कि लोग मानेंगे और अच्छी पिक्चरें बनाएंगे जहाँ पर एक पुलिस वाले की छवि अच्छी होगी। ओके मैम, थैंक्स, थैंक यू सो मच। भाई ये कौन स्टार न्यूज़ है? Sorry, but I would not like to comment on that. I would like to, you ask me a relevant question and I'll give you an answer. Okay, तो सर आप किस तरह की पेंटिंग ज़्यादा पसंद करते हैं? जैसे मैंने कहा कि मैं सब्जेक्टिव पोइंट पोएट्री पेंटिंग अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि
पोएट्री पेंटिंग जिसमें सब्जेक्ट हो जो एब्स्ट्रैक्ट ना हो, वो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है जी। ओके सर, हाल ही में आपके गाने ज़्यादा सुनने नहीं मिल रहे जी, हमें क्या भी सुनने मिले? अभी मैंने एक नया एल्बम रिलीज़ किया है खामोशी की आवाज़ के नाम से। थैंक यू।
You know, it's really, really very meaningful, and you know, I love the in terms of the way Lord Krishna has been depicted, and you know, the meaning behind it. It really, really comes out strongly, and I can really relate to a lot of it. No, that's my sister's job. She's the art. She's the painter in the family. But I guess we're all involved in the arts in some way or another. And she paints. She exhibits. She sells. And yes, I have got a few works of her painting. And yes, I am involved in. I mean, I do actively buy paintings and look at stuff. Yes. Yes, I've been in family mode. I've been in family mode. I've been with my family. I just had a little baby girl. She's going to be a year now. So just been busy with that, and get back to work from January. I was blessed with a baby girl. I'm extremely happy, and she's brought a lot of joy to me and my family. And, very, very happy. Hope I'm looking happy. But the resolution for 2015, as you said, you're starting with new work again. Are you looking forward to 2015? I want to quit smoking again. Yeah, that's something I really, really want to do. Quit smoking, yes. In 2015, how it works, resuming work? We're starting with No Entry, and of course, there are another couple of productions which I've been working on for this past 1 year. And that should also start rolling next year somehow. When you were wishing, imagine when should have received all the viewers. Okay. Just imagine. Hi, this is Fardeen Khan wishing all the viewers of all these channels a very, very happy new year. And Merry Christmas and good luck. जिस कॉन्टेक्स्ट में मोदी जी ने कहा मैंने कहीं ना कहीं जो किरदार आप निभाते हैं क्या वो लोगों की लाइफ को इफेक्ट करता है जो किरदार पुलिस का या फिर जो भी किरदार आप निभाते हैं अगर अगर डेफिनेटली अगर क्रेडिबल हिसाब से पेश किया गया है और यू नो इट्स रेलेवेंट टू सोसाइटी रेलेवेंट टू द पुलिस फोर्स आई एम श्योर इट हैज सम इफेक्ट चले खाती करके।